राधे राधे जय श्री कृष्णा। तो चलिए, पितृपक्ष चल रहा है और पितरों को खुश कैसे करना है, और एक उपाय बता रहे हैं कि मटके में पानी क्यों भर के रखना चाहिए अपने कमरे में, रसोई घर में, तो बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पवित्र पितरी जो पवित्र काम हमारा चल रहा है, तो इस महीने में क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तांबा या पीतल का पात्र में लेकर सूर्योदय के बाद उसमें गंगा जल, तेल, दूध डालकर पीपल के जड़ के नीचे डालना चाहिए। और क्या कहना चाहिए कि प्रार्थना करना चाहिए पितरों से कि हे पितामह, आप लोग आइए और घर में खुशहाली लाइए। तो पितर जब बैंकुंठ में, जब चारों बैंकुंठ में घूमते हैं तो क्या करते हैं, जब हम ये जल इतना करके अर्पित करते हैं तो प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होने के बाद क्या करते हैं, वो घर में खुशहाली लाते हैं और वो खुश रहते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि जरूर पितृपक्ष में पानी डालें। और एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि मटका में पानी क्यों भरना चाहिए। तो देखिए, रात को पितर घर में आते हैं, पितर आते हैं घर में, और आने बाद क्या करते हैं, प्यासे रहते हैं, तो इससे उनको पानी प्यास पानी मिल जाता है, उससे वो प्यासे नहीं रहते हैं। इसलिए हमेशा रसोई घर में माटी का मटका पानी भरे रहिएगा। और चलिए, इस पवित्र महीना है, बहुत अच्छा पवित्र महीना है, और आप जब